नमस्कार साथियों, चार्टवर्क के न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लगा चुके हैं। यह क्वेश्चन कैप्टन पूरी साहेब के बुक का चैप्टर 5 से लिया गया है और हम यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन भी कवर करते जा रहे हैं, क्योंकि चार्टवर्क का क्वेश्चन जब सेकेंड मैट एग्जाम में पूछा जाता है तो लोगों को पढ़ने के बाद समझने में दिक्कत होता है, इसलिए हम यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन को लगा दिए हैं और इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको चार्ट पर कैसे ड्रा करना है इसमें आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। और यदि बेसिक भी साथ में कवर कर देंगे तो DNS और BSc वाले जो स्टूडेंट होंगे वह भी वीडियो देख सकते हैं और स्टार्टिंग से देखेंगे तो उनका अप टू सेकेंड मैट के लेवल तक कवर हो जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट का डिमांड था इसलिए हम बेसिक से पूरा कवर कर दे रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन लगाए हैं, यह है एग्जांपल नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है ए शिप स्टेयरिंग 085 डिग्री ट्रू, एनविल पॉइंट लाइट हाउस बोर 050 डिग्री ट्रू एंड बिल ऑफ पोर्टलैंड लाइट हाउस बोर 291 डिग्री ट्रू, फाइंड द शिप पोजिशन। और जिनको भी बेसिक चीज आता है वह भी इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा। क्वेश्चन कर रहा है एक जहाज है जो 085 डिग्री ट्रू कोर्स फॉलो कर रहा है, एनविल पॉइंट लाइट हाउस का बेरिंग 050 डिग्री ट्रू मिलता है और बिल ऑफ पोर्टलैंड लाइट हाउस का बेरिंग उसको 291 डिग्री ट्रू मिलता है। शिप का पोजिशन बताना है। हम आपको बताए हैं शिप के पोजीशन निकालने के लिए कम से कम 2 PL, और आपको यह भी बताए हैं टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट का बेरिंग पोजीशन लाइन ही रहता है, तो यहां पर हमको 2 PL मालूम है। अब आपको यहां पर सिर्फ ड्रा करने का टेंशन है और कुछ लोग यहां पर सवाल करेंगे मन में कि हमको 2 PL दिया ही है तो यहां पर यह जो कोर्स दे दिया है यह किस लिए दिया है, ऐसा सवाल मन में उठता होगा, तो इसको भी अभी हम क्लियर कर देते हैं। देखिए जितना भी आपका बेरिंग और कोर्स है उसके बाद ब्रैकेट में टी लिखा है, टी मतलब ट्रू कोर्स, और कहूं कहूं सी लिखेगा, सी मतलब कैंपस कोर्स। चार्ट पर जो भी लाइन ड्रा कीजिएगा सारा के सारा ट्रू रहना चाहिए। कोर्स ड्रा कर रहे हैं तो वह भी ट्रू कोर्स, बेरिंग ड्रा कर रहे हैं तो वह भी ट्रू बेरिंग। कभी भी कैंपस कोर्स या कैंपस बेरिंग चार्ट पर ड्रा नहीं होता है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। चार्ट पर ऑलवेज ट्रू कोर्स या ट्रू बेरिंग, कभी भी कैंपस कोर्स या कैंपस बेरिंग ड्रा नहीं होगा, और न ही गायरो कोर्स या गायरो बेरिंग। यदि क्वेश्चन में दे दिया कैंपस कोर्स या गाइडो कोर्स तो इसको करेक्ट करके ट्रू कोर्स में लाना होगा। उसी प्रकार यहां पर बेरिंग ट्रू दिया है, ट्रू के जगह यहां पर कैंपस बेरिंग या गाइरो बेरिंग यह भी दे सकता है। तो जब कैंपस बेरिंग या गाइरो बेरिंग देगा तो उसको करेक्ट करके आपको ट्रू बेरिंग में लाना होगा। और आगे आप क्वेश्चन देखिएगा, जब हम डेविएशन और वेरिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे तो बहुत बार कोर्स टी के जगह सी लिखेगा और बेरिंग टी के जगह सी लिखेगा, तो इस कैंपस बेरिंग को हमको करेक्ट करके ट्रू बेरिंग में लाना होगा, तभी हम चार्ट पर लाइन ड्रा करेंगे अर्थात बेरिंग ड्रा करेंगे। और ट्रू कोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको कैंपस एरर निकालना होगा। आप जानते हैं कैंपस एरर निकालने के लिए हमको डेविएशन और वेरिएशन चाहिए। वेरिएशन आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा या चार्ट से उठाना होगा, डेविएशन भी कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन में दे देगा, नहीं तो कभी कभी क्या कहेगा आप डेविएशन कार्ड से डेविएशन लीजिए। और डेविएशन कार्ड से डेविएशन लेने के लिए सिप का हेडिंग चाहिए।
आप लोग कैप्टन पुरी साहब का बुक देखिएगा तो पीछे में डेविएशन कार्ड दिया हुआ है, तो उसी डेविएशन कार्ड से आपको डेविएशन लेना पड़ता है। और डेविएशन टेबल फॉर्म में दिया रहता है और यह शिप हेडिंग इन टर्म्स ऑफ कैंपस, शिप का कैंपस हेडिंग के टर्म में डेविएशन देता है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर शिप के स्टेरिंग का जो वैल्यू है इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पर यदि सी 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 कर देता तो फिर जो है यूज आता। तो इसीलिए बहुत बार हम बताए हैं कि क्वेश्चन में कुछ कुछ डाटा अननेसेसरी देता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आप समझ गए होंगे शिप का हेडिंग का क्या यूज रहेगा क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल वन हम आपको समझा रहे थे, एग्जाम्पल वन में शिप स्टेरिंग का कोई यूज नहीं है। शिप स्टेरिंग मतलब शिप का हेडिंग, आप लोग ध्यान रखिएगा। और कोर्स टू स्टीयर लिखेगा, कोर्स टू स्टीयर इसका मतलब भी शिप का हेडिंग है। बहुत लोग कोर्स टू स्टीयर, कोर्स मेड गुड और हेडिंग में कंफ्यूज रहते हैं। हम इसको अभी समझा देते हैं। मान लेते हैं शिप का कोर्स टू स्टीयर 090 डिग्री है, अर्थात शिप का हेडिंग ईस्ट की ओर है। शिप ईस्ट की ओर अपना मुंह किए हुए है, अर्थात वेसल के स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम में वेसल का कोर्स 090 डिग्री डाला हुआ है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि वेसल एग्जैक्ट 090 पर ही जाएगा। अर्थात वेसल यहाँ पर 090 की ओर तो मुंह किए हुए है, लेकिन हो सकता है वह 085 की ओर भी जा सकता है या 095 की ओर भी जा सकता है या कोई अलग डायरेक्शन में भी जा सकता है। यह डिपेंड करता है विंड और करंट पर। इसको थोड़ा और डीपली हम समझा देते हैं। मान लेते हैं वेसल का स्पीड 10 नॉट है, वेसल का हेडिंग 090 डिग्री है, अर्थात वेसल ईस्ट की ओर मुंह किए हुए है, लेकिन वेसल जो है 095 की ओर जा रहा है। ऐसा हो सकता है? बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, जिधर मुंह किया है ऐसा नहीं है कि सिर्फ उधर ही जाएगा। अब नॉर्मल लाइफ में ले लीजिए, आप लोग ऐसा करते हैं सामने की ओर मुंह करते हैं, मान लेते हैं आप ईस्ट की ओर मुंह किए और राइट बार शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब आप साउथ की ओर जा रहे हैं, आप अपना मुख को ईस्ट की ओर रखे हैं लेकिन जा रहे हैं साउथ की ओर, ऐसा होता है। तो ऐसा शिफ्ट में भी होता है, अपना हेडिंग अर्थात कोर्स टू स्टीयर अर्थात इसका स्टीयरिंग 085 हो और वेसल जा रहा हो 095 पर, और यह होता है ड्यू टू विंड एंड करेंट, अर्थात जिधर मुंह रखा है जहाज उधर नहीं जा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन है और एग्जैक्ट जिस डायरेक्शन में जाता है उसको बोलते हैं कोर्स मेड गुड। कोर्स मेड गुड मिलता है आपको आफ्टर विंड एंड करेंट। और पिछला लेक्चर में हम आपको बताए थे बीम बेरिंग ऑलवेज जो है हेडिंग पर लेते हैं, वेसल का जो हेडिंग रहता है उसी हेडिंग में प्लस माइनस 90 डिग्री, यदि स्टारबोर्ड साइड है तो प्लस 90 डिग्री और पोर्ट साइड है तो माइनस 90 डिग्री। और हेडिंग का मतलब वेसल का स्टीयरिंग, और हेडिंग को और क्या कह सकते हैं, कोर्स टू स्टीयर। यदि कोर्स टू स्टीयर का वैल्यू 090 डिग्री है, इसका मतलब है वेसल का हेडिंग 090 डिग्री रखना है, एकदम सिंपल। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, वेसल का हेडिंग का मतलब है कोर्स टू स्टीयर। शॉर्ट में बहुत लोग सीटीएस लिखते हैं, कोर्स टू स्टीयर। तो यहाँ पर आप हेडिंग कोर्स टू स्टीयर एंड शिप स्टीयरिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, ये तीनों एक ही चीज है।
चलिए इस पेज को हम क्लियर कर देते हैं, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा जाते हैं और बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लगता है उसको हम आपको बता देते हैं। देखिए एग्जाम्पल वन कह रहा था इनबिल पॉइंट लाइट हाउस बोर 050 डिग्री ट्रू। इसका मतलब क्या है, इनबिल पॉइंट लाइट हाउस का बेरिंग फ्रॉम शिप, शिप से इनबिल पॉइंट का बेरिंग है 050 डिग्री ट्रू। ध्यान रखिएगा फ्रॉम शिप, और यदि उल्टा हो जाएगा तो यह 180 डिग्री उल्टा हो जाएगा, बेरिंग है इनबिल पॉइंट का शिप से। और यदि हम कह दें शिप का बेरिंग फ्रॉम इनबिल पॉइंट, ये भी हो सकता है, तो यह आपका हो जाएगा 050 प्लस 180, 180 अपोजिट, तो 230 डिग्री ट्रू। और यह हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अक्सर लोग यही बेरिंग लाइन खींचने में गलती कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट उनको नहीं आता है, उनको आता है लेकिन जल्दीबाजी में ऐसा करते हैं और एग्जाम के समय तो अक्सर कर देते हैं, तो बार बार बता देंगे तो आपका मिस्टेक नहीं होगा। और उसमें से 10% लोग शुरू में चार्ट पर लाइन ड्रा करने में कंफ्यूज होते हैं, खासकर जब नीचे से ऊपर वाला लाइन ड्रा करना हो या लेफ्ट से राइट वाला। तो चलिए यहां पर आपको मालूम है इनबिल पॉइंट लाइट हाउस का बेरिंग शिप से 050 है और बिल ऑफ पोर्टलैंड इसका बेरिंग फ्रॉम शिप। अभी हम फ्रॉम शिप लिख रहे हैं, बाद में नहीं लिखेंगे, समझाने के चलते हम लिख रहे हैं, चाहे तो आप भी नहीं लिखिए। बिल ऑफ पोर्टलैंड का बेरिंग है 291। हम आपको बताए हैं शिप का पोजीशन निकालना है तो दोनों बेरिंग को ड्रा कर दीजिए। कैसे ड्रा होगा यह भी हम आपको समझाए हैं। हम मान लेते हैं यहां पर बिल ऑफ पोर्टलैंड लाइट हाउस है और मान लेते हैं यहां पर एनविल पॉइंट। चार्ट में आप लोग देख लीजिएगा, हमारे पास चार्ट नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कैसे ड्रा होता है यह समझना है और एक्चुअल में आपको जाके ड्रा करना है। ये आपका बिल ऑफ पोर्टलैंड है और इधर आपका एनविल पॉइंट है। अभी जो क्वेश्चन दिख रहा है आपका यह क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हाइड हो चुका है, हम दूसरा क्वेश्चन को भी हाइड कर देते हैं नहीं तो लोग कंफ्यूज होंगे। एनविल पॉइंट लाइट हाउस का बेरिंग है 050 डिग्री ट्रू। अब इसको कैसे ड्रा कीजिएगा, नियरेस्ट कैंपस रोज पर जाइए, पैरेलल रूलर को 050 में सेट कीजिए, ये आपका नॉर्थ अर्थात 000 050 समथिंग लाइक दिस डायरेक्शन, पैरेलल रूलर आपका कैंपस रोज पर सेट हो गया। अब पैरेलल रूलर को शिफ्ट करके इस लाइट हाउस पर लगा दीजिए। जब आप पैरेलल रूलर सेट कर लीजिएगा तो उसके बाद लोग कंफ्यूज होते हैं, हम लाइन ऐसे खींचें कि ऐसे खींचें। तो पिछला लेक्चर में हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे यह कंफ्यूजन कैसे दूर रखिएगा। यदि एक साइड लैंड है तो आपको टेंशन लेना नहीं है, उधर तो शिप नहीं जाएगा, वह कैंसिल आउट हो गया। लेकिन यदि दोनों साइड सी है तो फिर कैसे कैंसिल आउट कीजिएगा, उसके लिए भी हम आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं और अभी हम आपको दोबारा बता देते हैं। 050 कैसे जाता है, कैंपस रोज पर सेंटर यहां है, 050 का डायरेक्शन इधर है, हमारा बेरिंग 050 है फ्रॉम शिप टू एनविल पॉइंट। हम यहां पर उल्टा ड्रा करेंगे, हम एनविल पॉइंट से ही लाइन ड्रा कर रहे हैं, हमको अभी शिप थोड़े मालूम है कि कहां पर है, सॉरी यहां पर डायग्राम गलत बना दिए, हमको थोड़े मालूम है कि यहां पर शिप है, शिप लिए ऐसे लाइन ड्रा कर दिए, हमको तो अभी शिप मालूम ही नहीं है, लेकिन हमको सिर्फ यह मालूम है शिप से इसका बेरिंग इतना है, तो हम यहां पर उल्टा काम करेंगे। शिप से एनविल पॉइंट का बेरिंग मालूम है 050,
हमको तो सिप का पोजीशन मालूम नहीं है, कहाँ पर सिप है यह तो हमको पता ही करना है, तो हम उल्टा काम करेंगे। हमको इनविल पॉइंट लाइट हाउस मालूम है ना, इनविल पॉइंट लाइट हाउस से 050 के उल्टा मतलब 050 प्लस 180 अर्थात 230 वाला लाइन ड्रा करेंगे। अर्थात रूलर को जो ऐसे आप सेट करके 050 रीड करते हैं और यहाँ पर आप ला के सेट कीजिएगा, आपको जाना है 050 ऐसे, लेकिन आपको लाइन ड्रा करना होगा ऐसे, पैरेलल रूलर से जो कैंपस रोज पर बेरिंग आप रीड कर रहे हैं उसका अपोजिट, चूंकि आपको लाइन ड्रा करना है लाइट हाउस से और आपको बेरिंग मालूम है सिप से, आप उल्टा कर रहे हैं, इसीलिए आप उल्टा डायरेक्शन में खाली ड्रा कर दीजिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, जो भी बेरिंग आप रीड किए और जो बेरिंग का डायरेक्शन होता है, जैसे यहाँ पर 050 था, पैरेलल रूलर को यहाँ पर सेट कीजिएगा, 050 ऐसे जाता है, आपको लाइन ड्रा करना होगा ऐसे, उसका उल्टा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस लाइट हाउस से 050 के उल्टा मतलब इस डायरेक्शन में एक लाइन खींच देंगे, अर्थात इसी लाइन पर सिप कहीं ना कहीं है। अब जहां भी रहेगा जब लाइट हाउस को देखेगा तो इसको बेरिंग मिलेगा 050 डिग्री ट्रू। देख लीजिए, मान लेते हैं यहां पर है, अभी अभी मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं यहां पर है, तो ये इसका ट्रू नॉर्थ बेरिंग देखिए 050। अब मान लेते हैं सिप यहाँ पर था, यहाँ पर भी देखिएगा तो बेरिंग 050। और आप लोग ज्योमेट्री में भी पढ़े होंगे यह दोनों एंगल बराबर होता है, तो चार्टवर्क में थोड़ा ज्योमेट्री का भी खेला है, जो आप छठा से दसवां क्लास तक ज्योमेट्री पढ़े हैं बहुत सारा कॉन्सेप्ट चार्टवर्क में भी लगेगा। तो चार्टवर्क में भी कई जगह ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा के आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं हम यहाँ पर जो समझाना चाह रहे थे आप समझ गए होंगे। अब हम तेजी में सारा लाइन ड्रा कर करके सारा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे। मान लेते हैं ये आपका इनविल पॉइंट लाइट हाउस है, कैंपस रोज पर गए, पैरेलल रूलर को सेट किए 050 इस डायरेक्शन में, लाइट हाउस पर आए, पैरेलल रूलर को सेट करेंगे 050 इस डायरेक्शन में है, इसका अपोजिट 050 के अपोजिट में एक लाइन खींच देंगे, यही आपका फर्स्ट पीएल हो गया। जो भी बेरिंग रहेगा उस बेरिंग के वैल्यू को आप लिख दीजिएगा, ये हो गया 050 डिग्री ट्रू। और ध्यान दीजिएगा लास्ट में आप एरो जरूर डालिएगा, आपको एक पीएल मिल गया। दूसरा बेरिंग है आपका 291, नियरेस्ट कैंपस रोज पर गए, पैरेलल रूलर को सेट किए, 291 आपका लगभग ऐसे इस डायरेक्शन में होगा, यहां से इधर आप पैरेलल रूलर को कैंपस रोज पर सेट कर लीजिए, 291 का डायरेक्शन ये होगा, पैरेलल रूलर को शिफ्ट करके बिल ऑफ पोर्टलैंड पे लाइए, 291 का डायरेक्शन ऐसे है तो हमको लाइन खींचना होगा ऐसे, तो यहां से लाइन ऐसे खींच देंगे, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा यही भेसल का पोजीशन होगा। इस पॉइंट का रीडिंग आप चार्ट से ले लीजिएगा, और रीडिंग कैसे लेते हैं हम आपको पिछला लेक्चर में बताए हैं। इसका जो बेरिंग है यह भी लिख दीजिएगा 291 डिग्री ट्रू। और इसके साथ ही साथ यह ध्यान रखिएगा सारा वैल्यू को आप लोग थ्री फिगर नोटेशन में लिखिएगा, जैसे यहाँ पर 50 डिग्री है बेरिंग, पर लिखते हैं 050, ऐसा नहीं कि खाली 50 डिग्री ट्रू, गलती से यदि आगे एक ऐसे लाइन ड्रा हो गया तो यह हो जाएगा 150, इसीलिए थ्री फिगर नोटेशन में आपको लिखना है। यदि 7 डिग्री रहेगा तो 007 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं यहां पर आपको समझ में आ गया होगा बेरिंग लाइन कैसे ड्रा होता है। ध्यान रखिएगा चार्ट पर ऑलवेज ट्रू कोर्स और ट्रू बेरिंग ही ड्रा होगा, और पिछला लेक्चर में हम आपको बताए थे चार्ट पर जो भी ड्रा कीजिएगा उसका रफ डायग्राम आप आंसर शीट पर जरूर ड्रा कीजिएगा, पेंसिल से फटाफट आप लोग
जैसे अभी हम आपको लिख के बताए ना, सेम ऐसे ही डायग्राम आप लोग ड्रा कर दीजिएगा आंसर शीट पर, और यदि टाइम अलाउ करता है तो आप लोग स्टेप भी लिख दीजिएगा। जैसे स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, पहला स्टेप लिख दीजिएगा ड्रा, सबसे पहले क्या ड्रा किए, 050 डिग्री ट्रू बेरिंग फ्रॉम एनविल पॉइंट। सेकंड लिखिएगा ड्रा 291 बेरिंग फ्रॉम बिल ऑफ पोर्टलैंड लाइट हाउस। थर्ड पॉइंट में आप लोग क्या लिख दीजिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ एबव टू बेरिंग गिव वेसल पोजीशन। चौथा पॉइंट में लिख दीजिएगा वेसल पोजीशन इज इक्वल टू, जो भी चार्ट से आप रीड किए वह पोजीशन यहां पर डाल दीजिएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। स्टेप में आप जो काम किए हैं वही लिखना है। सबसे पहले आप 050 डिग्री कोर्स ड्रा किए, उसके बाद 291 कोर्स ड्रा किए, दोनों बेरिंग का इंटरसेक्शन आपको वेसल का पोजीशन दे दिया, जो पोजीशन आपको रीड करके आया वह पोजीशन लिख दिए, काम खत्म। और ये काम आपको हर सॉल्यूशन में करना है, हम बोले या ना बोले आपको हर बार करना है। और बेसिक क्वेश्चन बताने का मेन मकसद हमारा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट शुरू से क्लियर रहे, बीच में जाके ना फंसे। एग्जाम्पल वन हो गया, अब एक्सरसाइज वन पर आइए। एक्सरसाइज वन कह रहा है ए शिप स्टेयरिंग 255 डिग्री सी, यहां पर देखिए सी लिख दिया, मतलब शिप का हेडिंग दिया है 255 डिग्री कैंपस हेडिंग, यह ट्रू हेडिंग नहीं है, 255 डिग्री ट्रू नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह आपका कैंपस हेडिंग है, अर्थात कैंपस कोर्स टू स्टीयर। क्या बोले, कैंपस कोर्स टू स्टीयर। आगे कहता है एट 2100 आवर संट कैदरीन पॉइंट लाइट बोर 285 डिग्री ट्रू, नैप टावर बोर 00 डिग्री ट्रू, फाइंड द शिप पोजीशन एट 2100 आवर। देखिए यहां पर शिप का हेडिंग तो कैंपस में दिया है, लेकिन लाइट हाउस से जो बेरिंग लिया है वह दिया है ट्रू में, तो जब ट्रू में दे दिया है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और शिप का पोजीशन निकालने के लिए आपको सिर्फ बेरिंग लाइन ही ड्रा करना है, तो यहां पर भी यह वैल्यू यूजलेस है, इसका कोई यूज नहीं है अभी। तो यही बेसिक चीज बताने के चलते हम बेसिक वाला क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अब हम मान लेते हैं यहां पर आपका संट कैदरीन लाइट हाउस है, और कहता है संट कैदरीन लाइट हाउस बोर 285 डिग्री ट्रू, कैंपस रोज पर गए, पैरेलल रूलर को शिफ्ट किए 285 समथिंग लाइक, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 285 पैरेलल रूलर पर ऐसे होगा, पैरेलल रूलर आपका ऐसे सेट होगा, ये आपका 285 पर सेट हो गया। 285 का डायरेक्शन कैसे है, सेंटर से इधर। लाइट हाउस का बेरिंग है शिप से कितना, 285, आपको लाइन ड्रा करना है लाइट हाउस से, तो डायरेक्शन उल्टा कर दीजिए, पैरेलल रूलर यहां पर जो सेट कीजिएगा ऐसे आइएगा, यहां से आपको इधर नहीं ड्रा करना है, इधर ड्रा करना है, इधर ड्रा कीजिएगा तो डायरेक्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि लाइन ड्रा कर रहे हैं आप लाइट हाउस से और बेरिंग है आपका शिप से। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि जो न्यू कमर हैं, क्योंकि नया नया टर्म सुनते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं बार बार, तो आपका कंफ्यूजन दूर रहे। और लास्ट में ऐसे एरो, थोड़ा लाइन बड़ा कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 285 डिग्री, शिप कहीं इधर होगा, यहां से 285 इधर, मान लेते हैं आपका ट्रू नॉर्थ है, तो ये आपका 285 ऐसे हो गया। हम बहुत तरीका से आपको समझा रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे।
मान लेते हैं यहां पर आपका नैप टावर है, कह रहा है नैप टावर बोर्ड 00 डिग्री ट्रू, मान लेते हैं नियरेस्ट कैंपस रोज यहां पर है 00 डिग्री ट्रू, ऐसे आपका पैरेलल रूलर सेट होगा। 000 डिग्री ट्रू कैसे रहता है, इस डायरेक्शन में। लाइट हाउस का बेयरिंग है शिप से 00 डिग्री ट्रू, आप लाइन खींच रहे हैं लाइट हाउस से, तो आप लाइन खींचिएगा इस डायरेक्शन में, पैरेलल रूलर को पैरेलल शिफ्ट कीजिए, यहां पर सेट कीजिए, लाइन आपको 000 डिग्री जो है उससे उल्टा, मतलब ऐसे नीचे की ओर, 00 इधर रहता है, लाइन खींचना है आपको इधर। अब देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट यहां है, ये वेसल का पोजीशन हो गया, देखिए यहां से आपको पता चल रहा है नैप टावर का बेयरिंग है 000 डिग्री ट्रू, एरो ऐसे मत मारिएगा ये गलत है, 000 डिग्री ट्रू, यहां से पोजीशन रीड कीजिए आपका आंसर हो गया, और जैसे स्टेप हम पिछला बार बताए थे वैसे ही आप कर दीजिएगा और रफ डायग्राम आंसर शीट पर डाल दीजिए। तो उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज ये वन वाला क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यह क्वेश्चन कह रहा है एट 1800 आवर बिच्ची हेड लाइट्स बोर 335 डिग्री ट्रू एंड रॉयल सिवरियन लाइट वेसल बोर 045 डिग्री ट्रू, फाइंड द शिप पोजीशन। 1800 आवर पर वेसल दो लाइट हाउस का बेयरिंग लेता है, बिच्ची हेड लाइट हाउस का बेयरिंग है 335 डिग्री ट्रू और सोवरियन लाइट वेसल का बेयरिंग है 045 डिग्री ट्रू। अब इस दोनों बेयरिंग लाइन को सबसे पहले ड्रा कर दीजिए, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही वेसल का पोजीशन होगा। हम मान लेते हैं ये आपका बिच्ची हेड है, बिच्ची हेड से कितना है 335 डिग्री ट्रू, नियरेस्ट कैंपस रोज पर आइए, 335 डिग्री ट्रू, पैरेलल रूलर कुछ इस प्रकार सेट होगा, ये डायरेक्शन 335 डिग्री ट्रू का होगा, पैरेलल रूलर को शिफ्ट करके यहां पर आइए, 335 डिग्री ट्रू इधर है तो आपको लाइन ड्रा करना है इधर, ऐसे आपको इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, तो हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रा कर देंगे, वेसल कहीं इधर में कहीं पर होगा। अब कहीं से देखिएगा बिच्ची हेड लाइट का बेयरिंग आपका 335 होगा, ये आपका ट्रू नॉर्थ। मेन हमारा यहां मकसद है बेयरिंग लाइन को बहुत आसानी से आपको खींचने आने चाहिए। एक बेयरिंग लाइन आपको मिल गया, दूसरा है रॉयल सिवरियन लाइट वेसल, हम कहीं पर ले लेते हैं, मान लेते हैं यहां पर है, आपको चार्ट में जहां पर होगा आप वहां पर चले जाइएगा। अब नियरेस्ट कैंपस रोज पर जाइए 045, उसके लिए पैरेलल रूलर कैसे सेट होगा, जो भी हम रेड से ले रहे हैं 045 ऐसे होगा, 045 का डायरेक्शन सेंटर से इधर, पैरेलल रूलर को शिफ्ट कीजिए यहां पर लाइए, 045 का डायरेक्शन इधर है तो हम लाइन ड्रा करेंगे लाइट हाउस से इधर, तो लाइट हाउस से आप इस डायरेक्शन में लाइन ड्रा कर दीजिए, वैल्यू लिख दीजिएगा 045 और इसका वैल्यू था 335, ब्रैकेट में इधर ट्रू कर दीजिए, जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा यही वेसल का पोजीशन हो गया एट 1800 आवर्स। पैरेलल रूलर लगा के रीडिंग ले लीजिए, ए पार्ट का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है फ्रॉम द पोजीशन ऑब्टेंड एट 1800 आवर फाइंड द ट्रू कोर्स एंड डिस्टेंस टू ए पॉइंट 9 miles ड्यू साउथ ऑफ नब टावर। अब देखिए पार्ट बी आपका कह रहा है 1800 पर जो पोजीशन आपको मिला है, अब यहां से आपको जाना है नैब टावर के पास। अब आप चार्ट में नैब टावर खोज लीजिए, नैब टावर इधर भी हो सकता है
या इधर भी हो सकता है, हमारे पास तो चार्ट है नहीं, आप देख लीजिएगा नैब टावर कहाँ पर है। क्वेश्चन कह रहा है आपको अब नैब टावर के पास जाना है, और नैब टावर के पास कहाँ पर, कह रहा है कि नैब टावर के साउथ में जाना है और 9 माइल के दूरी पर जाना है। प्रेजेंट में आप इस पोजीशन पर हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है नैब टावर के साउथ में 9 माइल के दूरी पर जाने के लिए आप कौन सा कोर्स फॉलो कीजिएगा और आप कितना दूरी तय कीजिएगा, आप यह बता दीजिए। तो यह कैसे मिलेगा, हम आपको प्रीवियस लेक्चर में इस प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताए थे, यहाँ भी हम आपको दोबारा बता देते हैं और ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा माइक में थोड़ा इशू है, इसके कारण कभी कभी साउंड में डिस्टरबेंस आएगा। हम माइक ऑर्डर कर दिए हैं, नया माइक आ जाएगा फिर आपका सही हो जाएगा। हम पिछला कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि हम काफ़ी डिस्टर्ब थे और इसके बारे में हम आपको ग्रुप में बताए थे। चलिए क्वेश्चन पर लौटते हैं, आप अपना चार्ट में नैब टावर खोज लीजिएगा, यह इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, हम मान लेते हैं नैब टावर यहाँ पर है। कह रहा है कि नैब टावर के साउथ में पहुंचना है और 9 माइल के दूरी पर पहुंचना है, तो सबसे पहले हम बेरिंग ड्रा करेंगे। यहां पर बेरिंग दिया है नैब टावर के साउथ में, नैब टावर आपका यह है, तो नैब टावर के ऊपर रहेगा नॉर्थ, नीचे रहेगा साउथ, तो आप साउथ वाला लाइन ड्रा कर दीजिए, तभी ना नैब टावर के साउथ में आप जाइएगा। तो साउथ वाला लाइन कैसे ड्रा होगा, पैरेलल रूलर को नियरेस्ट कैंपस रोज पर ले जाइए, हम मान लेते हैं नैब टावर के बगल में यहाँ पर कैंपस रोज है, साउथ मतलब 180, 180 आपको लाइन ड्रा करना है, 180 इस डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर पैरेलल रूलर को शिफ्ट करेंगे और साउथ में इसे लाइन ड्रा कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है नैब टावर के साउथ में पहुंचना है, साउथ मतलब 180, तो नैब टावर से 180 डायरेक्शन वाला लाइन ड्रा कर दीजिए। साउथ में कहाँ पर, साउथ में तो बहुत अनंत दूरी रहेगा, क्वेश्चन कह दिया है 9 माइल, तो साउथ में 9 माइल का दूरी आप मार्क कर लीजिए। अब यह कैसे ड्रा होगा, डिवाइडर लीजिए, चार्ट पर जाइए, 9 माइल को आप ऐसे मेजर कर लीजिए, एक लेग को आप नैब टावर पर रखिए, अर्थात नैब टावर सेंटर होगा, यहाँ से 9 माइल का आर्क काट लीजिए, हम मान लेते हैं यहाँ पर आ गया। तो ये जो पॉइंट मिला, अब आपको इसी पॉइंट पर पहुँचना है, अभी वेसल यहाँ पर है, आपको पहुँचना यहाँ पर है। क्वेश्चन कह रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आप कौन सा कोर्स फॉलो कीजिएगा और कितना दूरी तय कीजिएगा, आप हमको बता दीजिए। तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पहुंचना यहाँ है, अभी आप हैं यहाँ पर, तो पैरेलल रूलर को यहाँ पर शिफ्ट कीजिए और इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए एक लाइन से, तो पैरेलल रूलर से एक लाइन में ऐसे खींच दीजिए, कोई विंड करंट तो है नहीं, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ से ऐसे चलेगा और यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब यह जो लाइन है, इस लाइन का आप रीडिंग ले लीजिए, जो भी वैल्यू आए एक्स वाई जेड डिग्री, वह आपका ट्रू कोर्स, अर्थात यही कोर्स आप फॉलो कीजिएगा, तो इस पॉइंट से चलिएगा और नैब टावर के साउथ में 9 माइल के दूरी पर पहुँच जाइएगा। क्वेश्चन आगे कहा है डिस्टेंस, नैब टावर के साउथ में 9 माइल के दूरी पर पहुंचने के लिए कितना दूरी तय कीजिएगा, तो डिवाइडर से इस दोनों पॉइंट के बीच का दूरी जो है आप मेजर कर लीजिए,
डिवाइडर को इधर सेट कर लीजिएगा 10 माइल 15 माइल जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, और यहाँ से मेजर कर लीजिए 10 माइल 20 माइल 30 माइल 40 माइल, और उसके बाद जो छोटा वाला रहेगा ऐसे मेजर करके यहाँ पर मेजर कर लीजिए कितना दूरी आया। और जो भी लाइन खींचे हैं उसका वैल्यू भी आप लिख दीजिएगा, ये लाइन है 180, इधर लिख दीजिएगा 180 डिग्री ट्रू, आप ऐसे लाइन में लिख लीजिएगा। ये जो है डिस्टेंस है आपका 9 माइल, ध्यान रखिएगा ये है 9 माइल। तो जो भी डिस्टेंस आएगा इनटू ये माइल जितना भी आए वह वैल्यू ऐसे चार्ट में भी लिख दीजिएगा। क्वेश्चन का सी पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड ऑल्सो द पोजिशन 9 माइल ड्यू साउथ ऑफ नैप टावर। सी पार्ट कह रहा है नैप टावर के साउथ में 9 माइल के दूरी पर जो पोजीशन है उसका आप रीडिंग दे दीजिए, मतलब लैट लॉन्ग, इस पॉइंट का लैट लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है। तो चार्ट से इस पॉइंट का रीडिंग ले लीजिए जैसे हम आपको बताए हैं फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में। जब आप चार्ट में इतना सारा चीज बना दीजिएगा उसके बाद आप आंसर शीट पर आइएगा, आंसर शीट पर सेम डायग्राम ऐसे लिख दीजिएगा, और उसके बाद यदि आपको टाइम अलाउ करता है तो आप स्टेप भी लिख दीजिएगा। स्टेप लिखने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेगा क्योंकि आप सारा चीज कर चुके हैं, धराधर लिख दीजिएगा। पार्ट ए क्या पूछा था, पार्ट ए आपका पूछा था क्रॉस बेरिंग से पोजीशन, यही ना पूछा है, दो गो बेरिंग दिया है उसके बाद शिप का पोजीशन। तो आंसर शीट पर लिखेंगे सबसे पहले लिख दीजिएगा जो भी क्वेश्चन रहेगा, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 3D, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डायग्राम ऐसे सबसे पहले बना दीजिएगा, उसके बाद नीचे आप स्टेप लिख दीजिएगा, ए लिख दीजिएगा फर्स्ट, ए का फर्स्ट स्टेप ड्रा 335 बेरिंग फ्रॉम बिची हेडलाइट, फिर उसके बाद ड्रा 045 बेरिंग फ्रॉम जो भी है लाइट वेसल, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ बेरिंग लाइन गिव द वेसल पोजीशन, और जो भी वेसल का पोजीशन आया आप आंसर लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद बी, बी पार्ट में आपको निकालना था ट्रू कोर्स एंड डिस्टेंस, तो उसके लिए क्या किए, सबसे पहले हम लोग नैप टावर के साउथ वाला लाइन ड्रा किए और उसके बाद 9 माइल हम मार्क किए। तो बी का फर्स्ट स्टेप होगा फ्रॉम नैप टावर ड्रा बेरिंग जो भी ड्रा किए आप 180 अर्थात साउथ लाइन। सेकेंड स्टेप में क्या किए, सॉरी हम क्या बता रहे थे, पार्ट बी, पार्ट बी में भी आप फर्स्ट स्टेप लिख दीजिएगा ड्रा बेरिंग लाइन साउथ वाला 180 मार्क सेकेंड स्टेप में बाय डिवाइडर मार्क 9 माइल साउथ ऑफ नैप टावर, एकदम सिंपल भाषा में लिखना है। उसके बाद आप क्या किए हैं 1800 आवर पर जो पोजीशन मिला है और 9 माइल ड्यू साउथ जो पॉइंट मिला है उसको आप पैरेलल रूलर से मिला दिए, फिर आप लिख दीजिएगा थर्ड स्टेप विद द हेल्प ऑफ पैरेलल रूलर ड्रा ए लाइन फ्रॉम 1800 आवर पोजीशन एंड पोजीशन एट 9 माइल साउथ ऑफ नैप टावर। ये जो दोनों पॉइंट आया था यहाँ पर आपने क्या किया, पैरेलल रूलर के हेल्प से लाइन ड्रा कर दिया। फिर आप नेक्स्ट स्टेप लिखिएगा रीड दैट लाइन विद द हेल्प ऑफ नियरेस्ट कैंपस रोज, नियरेस्ट कैंपस रोज के हेल्प से इस लाइन को रीड कर लीजिए और इस लाइन का डिस्टेंस भी आप मेजर कर लीजिए, तो यही आपको दे देगा कोर्स एंड डिस्टेंस। फिर पार्ट सी क्या बोला है, फाइंड ऑल्सो द पोजिशन 9 माइल ड्यू साउथ ऑफ नैप टावर, नैप टावर के साउथ में 9 माइल के दूरी पर जो पॉइंट आपको मिला उसका आपको पोजिशन बताना है, तो इसका पोजिशन आप रीड कर लीजिए सिंपल। तो चार्ट से रीड करने पर जो भी पोजीशन आपको मिलेगा यहाँ पर वो पार्ट सी में लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर हो गया।
तो जैसे हम स्टेप आपको लिखने के लिए बताए हैं एकदम सिंपल, आप वैसे ही स्टेप आंसर शीट में भी लिख दीजिएगा। 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा स्टेप लिखने में नहीं लगेगा। जब आप आंसर शीट पर रफ डायग्राम और स्टेप लिख दीजिएगा, उसके बाद जो भी कॉपी चेक करते हैं वह चार्ट पर ध्यान भी नहीं देते हैं। यहीं से आपको 25 में 20 21 22, डिपेंड ऑन राइटिंग एंड कितना आप साफ सुथरा लिखे हैं उस पर 20 21 22 23 आपको दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आप अच्छा से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और चार्टवर्क का क्वेश्चन समझने में दिक्कत होता है, इसीलिए हम बेसिक से एकदम क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। और पिछला क्वेश्चन में हम एक चीज बताना भूल गए, इसको अभी हम बता ही देते हैं, ना तो लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मेरे पास तो चार्ट है नहीं, और चार्ट नहीं है इसलिए बताना जरूरी है। मेरे पास चार्ट नहीं है इसीलिए हम मान के चले नैप टावर इधर है। हो सकता है नैप टावर आपका अपोजिट डायरेक्शन में भी हो, आप देख लीजिएगा चार्ट पर किधर है, प्रोसीजर सारा वही रहेगा। यदि आपका नैप टावर इस डायरेक्शन में होगा तो क्या कीजिएगा, सेम जैसे इधर किए हैं, यहाँ से साउथ वाला डायरेक्शन मतलब 180 वाला डायरेक्शन ऐसे खींच लीजिए, फिर लेटीट्यूड स्केल पर जाइए, डिवाइडर से 9 माइल का आप आर्क लेके सेट कर लीजिए, नैप टावर को सेंटर मारिए, 9 माइल का जो भी दूरी पर आर्क कट करेगा इस डायरेक्शन लाइन पे, उस पॉइंट को ले लीजिए। वेसल अभी यहाँ पर था, पहुँचना आपको यहाँ पर है। अब इस पॉइंट पर पहुँचना है तो पैरेलल रूलर से इस दोनों लाइन को मिला दीजिए, जो भी आपको कोर्स मिलेगा ए बी सी डिग्री वही आपका कोर्स हो गया। नियरेस्ट कैंपस रोज पर जाके रीड कर लीजिए। और कैंपस रोज पर लाइन का डायरेक्शन कैसे रीड कीजिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप जा रहे हैं इस प्रकार, तो कैंपस रोज पर रीडिंग आप लीजिएगा इस डायरेक्शन में, ध्यान दीजिएगा इस डायरेक्शन में रीडिंग लीजिएगा, अर्थात इधर वाला रीडिंग, इधर वाला नहीं। और जो भी रीडिंग आएगा इस डायरेक्शन का वही आपका आंसर होगा। और कैंपस रोज पर पैरेलल रूलर किस प्रकार सेट करते हैं हम फर्स्ट लेक्चर में बताए हैं, डिवाइडर को सेट करके कैसे डिस्टेंस मेजर करते हैं, आप डिस्टेंस मेजर कर लीजिएगा वही आंसर होगा। और सी पार्ट कह रहा था नैप टावर से 9 माइल की दूरी पर साउथ में जो पॉइंट है उसका पोजीशन बताइए, तो इस पॉइंट का पोजीशन आप रीड कर लीजिए, अर्थात लेट लॉन्ग, तो सी पॉइंट का वह आंसर हो गया। तो यदि नैप टावर इधर रहेगा तो कोर्स का रीडिंग कैंपस रोज से इस डायरेक्शन में होगा, ध्यान रखिएगा। और यदि नैप टावर इस साइड में होगा तो कोर्स का रीडिंग कैसे कीजिएगा, नियरेस्ट कैंपस रोज पर जाइएगा, पैरेलल रूलर से कैसे रीड लेते हैं, इस लाइन में ऐसे पैरेलल रूलर को सेट कीजिएगा, पैरेलल रूलर को शिफ्ट करके यहाँ पर पहुँच जाइएगा और आप रीडिंग लीजिएगा इसका डायरेक्शन क्या है। अब यहाँ पर देख रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो डायरेक्शन इधर। तो अब हम पैरेलल रूलर को कैंपस रोज पर इस डायरेक्शन में रीड करेंगे, यहाँ पर कितना रीडिंग आ रहा है, 220 30 40 जो भी आए वही आपका वैल्यू हो गया। तो ध्यान दीजिएगा डायरेक्शन रीड करने के लिए इनिशियल टू फाइनल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बहुत लोग कैंपस रोज पर आते हैं, पैरेलल रूलर को सेट करते हैं, इधर वाला रीडिंग ले लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन सबसे पहले ऐसे मेजर करते हैं, तो सबसे पहले का जो आता है वही रीड कर लेते हैं, आंसर लिख देते हैं, तो यह गलत चीज है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी लाइन का रीडिंग यदि आपको लेना है, अर्थात उसका डायरेक्शन आपको पता करना है, आप देखिए इनिशियल से फाइनल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मेन पॉइंट यह है। और रीड के लिए पैरेलल रूलर को एकदम एज बाय एज मिला लीजिए, शिफ्ट करके नियरेस्ट कैंपस रोज पर आइए, उसके बाद जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में आप रीड कर लीजिए। यदि आपका इनिशियल पॉइंट यह रहता और फाइनल पॉइंट यह रहता तो रीडिंग हम ऐसे लेते हैं, अर्थात कैंपस रोज पर पैरेलल रूलर द्वारा
इस पॉइंट पर जो भी रीडिंग आता 60, 70, 80 डिग्री वही आपका आंसर होता। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें भी बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए एक्सरसाइज 3 का पार्ट ए क्वेश्चन कर रहा है, एट 2000 आवर ली हाबरे लाइट वेसल बोर 187 डिग्री ट्रू एंड सी डी एन टीफर लाइट बोर 101 डिग्री ट्रू, फाइंड द शिप पोजिशन। यहाँ पर आपको दो लाइट हाउस का बेयरिंग मालूम है, मतलब वेसल का दो पीएल मालूम है, और जब एक ही टाइम दो पीएल मालूम है तो दोनों पीएल का इंटरसेक्शन पॉइंट वेसल का पोजिशन होगा। तो पार्ट ए का सोल्यूशन आप लोग किस प्रकार कीजिएगा, चार्ट पर सबसे पहले आप ली हाबरे लाइट वेसल खोजिए। हम मान लेते हैं ली हाबरे लाइट वेसल यहाँ पर है, सॉरी लाइट वेसल है, तो लाइट वेसल है तो जरूर है कि इसे बोट टाइप पर बना होगा, यह पानी में इसे फ्लोट कर रहा होगा और इसी पर लाइट जो है प्लेस है। तो ये आपका है, मान लेते हैं ली हाबरे। क्वेश्चन कह रहा है ली हाबरे लाइट वेसल बोर 187 डिग्री ट्रू, मतलब बेरिंग ऑफ लाइट वेसल फ्रॉम शिप, शिप से लाइट वेसल का बेरिंग 187 डिग्री ट्रू है। अब यहाँ पर कैसे लाइन ड्रा कीजिएगा, नियरेस्ट कैंपस रोज पर जाइए, पैरेलल रूलर को आप 187 डिग्री के डायरेक्शन में सेट कर लीजिए, कुछ इस प्रकार आपका सेट होगा, 180 समथिंग ऐसे रहता है, तो हल्का सा तिरछा ऐसे 187 होगा। पैरेलल रूलर को आप सेट करके, सॉरी शिफ्ट करके यहाँ पर ले आइए, 187 का डायरेक्शन किधर है, ऐसे। तो जब आप लाइट वेसल पर पहुँचिएगा तो पैरेलल रूलर सेट ही रहेगा, अब इसके सेंटर से 187 के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में लाइन को ऐसे खींच दीजिए। अब आप देखिए वेसल आपका कहीं पर इधर होगा, यहाँ से देखिएगा तो लाइट वेसल का बेरिंग 187 डिग्री होगा, यहाँ से चलिएगा तो ये हो गया 180 डिग्री और इधर थोड़ा सा रहेगा 187 डिग्री। इसीलिए कह रहे हैं कि बेरिंग लाइन थोड़ा सा ड्रा करने में सावधानी बरतिएगा। अब लाइट वेसल है तो दोनों साइड पानी होगा, आप चार्ट पर देखिएगा, तो बहुत लोग इधर भी लाइन ड्रा कर देंगे, और जब आप इधर लाइन ड्रा कीजिएगा अब वेसल तो इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा, तो जब वेसल को इधर कहीं रखिएगा तो यहाँ से देख रहे हैं लाइट वेसल का बेरिंग कितना हो गया, 187 डिग्री है नहीं ना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पैरेलल रूलर को सेट कीजिए, 187 डायरेक्शन जो है उसके अपोजिट में आप लाइन ड्रा कर दीजिए, सिंपल। और उसके बाद यदि आप चेक करना चाहते हैं तो उसी लाइन पर वेसल को रख दीजिए और देखिए हमारा जो भी लाइट हाउस या लाइट वेसल है या जो भी पॉइंट से बेरिंग लिया गया है वह पॉइंट 187 की ओर है कि नहीं, बस सिंपल। तो उम्मीद करते हैं लाइन वाला जो भी कंफ्यूजन है वह आपको नहीं होना चाहिए। तो आपको 187 डिग्री ट्रू मालूम चल गया। इसके बाद क्या कहता है, सी डी एंड टीफर लाइट बोर 101 डिग्री ट्रू। हम मान लेते हैं सी डी एंड टीफर लाइट जो है यहाँ पर है, सी डी एंड टीफर इसका बेरिंग है 101 डिग्री ट्रू, नियरेस्ट कैंपस रोज पर जाइए आप 101 आप सेट कर लीजिए पैरेलल रूलर को, यह होगा 090 तो 101 समथिंग लाइक दैट, पैरेलल रूलर को शिफ्ट करके यहाँ पर लाइए, 101 का डायरेक्शन क्या है इधर, तो इसके अपोजिट में आप लाइन ड्रा कर दीजिए, तो 101 के अपोजिट में समथिंग ऐसे, ये आपका है 101 डिग्री ट्रू। अब यह दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, यही वेसल का पोजीशन हो गया, वेसल पोजीशन एट 200 आवर। यहां तक तो आप समझ गए, और वेसल का जो पोजीशन यहां पर रीड करके मिलेगा चार्ट पर भी यहां पर बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो भी आ जाए ए बी सी डिग्री लेटीट्यूड और जो भी एक्स वाई जेड लॉन्गिट्यूड। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है फ्रॉम द पोजीशन एट 200 आवर्स ऑब्टेंड इन ए,
फाइंड द ट्रू कोर्स एंड डिस्टेंस टू ए पोजिशन विथ पीटर डी एली लाइट बेरिंग 128 डिग्री ट्रू 12 माइल ऑफ। जैसे हम पिछले लेक्चर में बताए हैं सेम क्वेश्चन यह भी कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2000 आवर पर आपको पोजीशन मालूम है। अब यहाँ से आपको पहुँचना है पीटर डी एली लाइट, और पीटर डी एली लाइट के पास कहाँ पर जाना है, एकदम लाइट हाउस पर नहीं ना जाइएगा, उसी पर तो नहीं चढ़िएगा, वहाँ से कुछ दूरी पर और डायरेक्शन आपको देगा, वही दिया हुआ है। कह रहा है पीटर डी एली लाइट हाउस से बेरिंग 128 और 12 माइल ऑफ। तो क्वेश्चन को आप एक बार फिर अच्छा से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द पोजीशन एट 2000 आवर्स ऑब्टेंड इन ए फाइंड द ट्रू कोर्स एंड डिस्टेंस टू ए पोजीशन विथ पीटर डी एली लाइट बेरिंग 128 डिग्री ट्रू एंड 12 माइल ऑफ। हम मान लेते हैं सबसे पहले आपको पीटर डी एली लाइट मानना होगा कहाँ पर है, चूँकि हमारे पास तो चार्ट है नहीं, थोड़ा और स्पेस बना लेते हैं क्योंकि स्पेस बनाना जरूरी है। हम मान लेते हैं पीटर डी लाइट यहाँ पर है, पीटर डी एली लाइट आप चार्ट में देख लीजिएगा कहाँ पर है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ट्रू कोर्स एंड डिस्टेंस टू ए पोजीशन विथ पीटर डी एली लाइट बेरिंग 128 डिग्री ट्रू एंड 12 माइल ऑफ। अभी आपको पोजीशन मालूम है, आप यहाँ पर हैं, अर्थात 2000 आवर पर यहाँ पर हैं। यहाँ से आपको पहुँचना है पीटर डी एली के पास, और पीटर डी एली के पास कहाँ पर, आप उस पॉइंट पर पहुँचिए जहाँ से पीटर डी एली 12 माइल ऑफ हो, और वहाँ से पीटर डी एली का बेरिंग 128 हो। अब बेरिंग लाइन कैसे ड्रा करेंगे, नियरेस्ट कैंपस रूट पर जाएंगे, 128 वाला डायरेक्शन में हम पहले रूलर को सेट कर लेंगे, इधर 90 तो 128 समथिंग इधर होगा आपका, इस डायरेक्शन में 128 पहले रूलर को शिफ्ट करके यहाँ पर लाएंगे। अब यहाँ से लाइन हम किस डायरेक्शन में ड्रा करेंगे, इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में, अभी हम आपको बताएं, आपको उस पॉइंट पर पहुँचना है जहां से पीटर डी एली का बेरिंग 128 है। तो आपको पीटर डी एली से 128 के डायरेक्शन के अपोजिट में लाइन खींचना होगा, अर्थात आपको इस डायरेक्शन में लाइन खींचना होगा, तभी ना इस लाइन पर कहीं ना कहीं रहिएगा, तभी पीटर डी एली का बेरिंग 128 होगा। मान लेते हैं वेसल यहां पर है, तो यहां से बेरिंग 128, ये आपका ट्रू नॉर्थ। यदि आप लाइन इधर खींच दीजिएगा तो क्या होगा, वेसल इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। अब जब आप यहाँ से मेजर कीजिएगा, मान लेते हैं आपका ट्रू नॉर्थ है, तो मेजर कीजिएगा तो पीटर डी एली का बेरिंग कितना हो जाएगा, लगभग 300 से ऊपर, तो यह गलत हो गया। तो आपको इसी प्रकार बेरिंग लाइन खींचने में ध्यान रखना होगा, क्योंकि बेरिंग लाइन मेन आपका यहाँ पर दिक्कत होगा, इसीलिए हम बार बार इसको हम समझा रहे हैं। और कंफ्यूजन दूर करने का दूसरा चीज क्या है, हम आपको बताए हैं चार्ट पर बहुत बार दूसरा डायरेक्शन में लैंड मिलेगा, तो शिप तो लैंड पर जाएगा नहीं, लेकिन कभी कभी क्या रहेगा, दोनों साइड में वाटर रहेगा, तो फिर लैंड वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा आपको, फिर जैसे हम अभी बता रहे हैं वही वाला कॉन्सेप्ट काम में आएगा। तो आप अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। हम बताएं यहाँ पर मान लीजिए पीटर डी एली लाइट है, आपको पीटर डी एली से 12 माइल ऑफ के दूरी पर पहुँचना है, और उस पॉइंट पर पहुँचना है जहाँ से पीटर डी एली का बेरिंग 128 है। तो नियरेस्ट कैंपस रोज पर गए, पहले रूलर को 128 डायरेक्शन में सेट किए, शिफ्ट करके यहाँ पर आए और 128 के अपोजिट में लाइन खींच दिए, तभी इस लाइन पर कहीं ना कहीं पहुंचिएगा, तब पीटर डी एली का बेरिंग 128 होगा। आपको पहुंचना कहाँ है, 12 माइल ऑफ, डिवाइडर से इधर वाला लेटिट्यूड स्केल पर आप आइए,
और 12 माइल का आर्क ले लीजिए, सेट कीजिए। पीटर डीएली को सेंटर मान लीजिए और 12 माइल का ऐसे आर्क मार दीजिए। अब आपको पता चल गया वेसल को इस पॉइंट पर पहुंचना है। वेसल अभी यहाँ है, पहुंचना यहाँ पर है, कोई विंड करंट नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ के लिए लाइन हम मिला देंगे। जो लाइन हमको मिलेगा वही वेसल का कोर्स होगा। आप पैरेलल रूलर से नियरेस्ट कैंपस रोज पर जाके कोर्स को रीड कर लीजिए। वेसल का इनिशियल पोजीशन यहाँ है, आप जा रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्शन इधर वाला। पैरेलल रूलर को यहाँ पर सेट कीजिएगा, शिफ्ट करके नियरेस्ट कैंपस रोज पर आइए और जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में आप रीडिंग ले लीजिए। आप जा रहे हैं ऐसे तो रीडिंग लीजिएगा ऐसे, इस पॉइंट पर कैंपस रोज का जो रीडिंग रहेगा वही लीजिएगा, इसका उल्टा नहीं, नहीं तो फिर सारा चौपट। उल्टा किए गेम ओवर, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा था फाइंड द ट्रू कोर्स एंड डिस्टेंस। ट्रू कोर्स मिल गया, जो भी एक्स वाई जेड डिग्री आया लिख दीजिए, और डिस्टेंस डिवाइडर को इसके बीच वाला लेटिट्यूड, इसके बीच कहाँ पर आएगा, इधर लेटिट्यूड स्केल पर आप डिवाइडर को 10 माइल 15 माइल जो भी रहे सेट कर लीजिए और यहाँ से रीड कर लीजिए। यदि छोटा डिस्टेंस है तो एक ही बार में डिवाइडर से रीड कर लीजिए, तो डिस्टेंस मिल गया। तो पार्ट बी का आंसर आ गया, जो भी आएगा, जो भी कोर्स का वैल्यू है वो और जितना डिस्टेंस है वो आप लिख दीजिए इसके बगल में, और चाहे तो आप ऐसे बॉक्स बना दीजिएगा, बॉक्स बना के ऐसे लिख दीजिएगा चार्ट पर ही, पार्ट बी आंसर, और हल्का लिखिएगा एकदम, पूरा पेंसिल से एकदम डीप में नहीं, ये भी गलत चीज है। सी पार्ट कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ पीटर डी एली लाइट। आपको पीटर डी एली लाइट का पोजीशन बताना है, ध्यान रखिए इस पॉइंट का पोजीशन नहीं, पोजीशन पूछा है पीटर डी एली लाइट का। इसका मतलब है चार्ट पर पीटर डी एली लाइट खोजना थोड़ा मुश्किल काम होगा, कहीं पर भुतलायल भटकायल इधर उधर होगा, इसीलिए कहा है पीटर डी एली लाइट को खोजिए और उसी का पोजीशन हमको बताइए। और यह जानबूझ के दिया है ताकि स्टूडेंट चार्ट पर सारा लाइट आसानी से खोज सकें, उनको खोजने का आइडिया होना चाहिए। तो आप लोग पीटर डी एली लाइट को खोल लीजिएगा, जहां पर पीटर डी एली रहेगा ऐसे बना होगा, इसी का रीडिंग ले लीजिएगा, लेट लॉन्ग ले लीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। जब पूरा चार्ट पर बन जाएगा फिर आंसर शीट पर आइएगा, रफ डायग्राम इसी प्रकार आप बना लीजिएगा आंसर शीट पर, जैसे जैसे आप वैल्यू लिखे हैं वैसे ही आप लिख लीजिएगा। रफ डायग्राम बनाने के बाद फटाफट 2 मिनट में स्टेप लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आप अच्छा से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए हैं कि नहीं, यस लगाए हुए हैं, इसके बाद भी है नहीं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एट 03:00 आवर ली हाबरे लाइट वेसल बोर 185 डिग्री ट्रू, सी डी एंटीफर लाइट बोर 078 डिग्री ट्रू, फाइंड द शिप पोजिशन। पार्टी में क्या करेंगे, ली हाबरे लाइट वेसल देखेंगे, मान लेते हैं ली हाबरे लाइट वेसल यहां पर है। कह रहा है ली हाबरे लाइट वेसल बोर 185 डिग्री ट्रू, नियरेस्ट कैंपस रोज पर जाएंगे, पहले रूलर को सेट करेंगे 185 डिग्री ट्रू, समथिंग इस डायरेक्शन में सेट होगा, 185 डिग्री ट्रू इधर है, हम लाइन ड्रा करेंगे इधर, क्यों, क्योंकि लाइट वेसल का बेयरिंग है फ्रॉम शिप। पहले रूलर को शिफ्ट करके यहाँ पर लाएंगे, 185 डिग्री का डायरेक्शन इधर, तो हम लाइन ड्रा करेंगे इधर, ये आपका हो गया 185 डिग्री ट्रू। फिर कह रहा है सी डी एंटीफर लाइट बोर 078 डिग्री ट्रू, हम मान लेते हैं सी डी एंटीफर जो है यहाँ पर है, ये आपका है सी डी एंटीफर, यहाँ पर स्टार मार्क ऐसे बना दीजिएगा, और रफ में सॉरी, और जब आप रफ में सॉरी रफ कह रहे हैं बार बार, जब आप आंसर शीट में भी बनाइएगा तो आप इसी प्रकार मार्क कीजिएगा, ऐसे आप स्टार मार्क कर दीजिएगा।
ये आपका हो गया सी डी एंटीफर। कह रहा है सी डी एंटीफर लाइट बोर्ड 078 डिग्री ट्रू, नियरेस्ट कैंपस रोज पर जाइएगा 078, ये होता है 90, 078 ऐसे 078 का डायरेक्शन किधर है, इस प्रकार हम लाइन ड्रा करेंगे, इधर पहले रूलर को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, 078 इधर है, हम लाइन ड्रा करेंगे इधर, ये आपका हो गया 078, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भेसल का पोजीशन दे देगा, ये हो गया भेसल पोजीशन एट 0300 आवर, इस पॉइंट का पोजीशन आप रीड कर लीजिए, अर्थात लेट लॉन्ग। कैसे रीड होता है आप जानते हैं, देखिए भेसल का पोजीशन 0300 आवर पर यहाँ पर होगा। अब यहाँ से देख लीजिए भेसल जो है यहाँ पर है, अब कितना कोर्स रखे हुए हैं नहीं मालूम है, लेकिन भेसल यहाँ पर है, यहाँ से देखिएगा तो सी डी एन टी फर 078 ट्रू नॉर्थ ऐसे रहेगा ना। अब हेडिंग किस डायरेक्शन में है आपको इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि हेडिंग से अभी कोई मतलब नहीं है, ये आपका ट्रू नॉर्थ देखिए ये 078 हो गया, और ली हावरे कितना है 185, देखिए ली हावरे 185, 180 से ज़्यादा है ना, ये तो रफ डायग्राम बना रहे हैं तो आपको लग रहा होगा ये चल गया 200 पर। तो बस इसी प्रकार आपको समझ भी लेना होगा यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो, ये आपको 0300 आवर पर पोजीशन मिल गया। क्वेश्चन आगे कर रहा है फ्रॉम द पोजीशन एट 0300 आवर फाइंड द ट्रू कोर्स टू अ स्टीयर टू पास पीटर डी बार्लेफर लाइट 10 माइल ऑफ टू पोर्ट। अब आप कौन सा लाइट है, पीटर डी बार फ्लोर लाइट चार्ट पर खोजिएगा। मेरे पास चार्ट है नहीं, हम अंदाजिए बता देंगे कि मान लेते हैं यहाँ पर है पीटर डी बार फ्लोर, ये सबका नाम हो ऐसा खतरनाक रहता है कि थोड़ा सा पढ़नहू में दिक्कत होता है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपको यहाँ से पहुँचना है कहाँ पर, पीटर डी बार फ्लोर लाइट के पास, और इस लाइट हाउस से 10 माइल की दूरी पर रहना है और पोर्ट साइड में रहना है। अब ये जो पोर्ट साइड दिया है यही आपका की पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। हम मान लेते हैं थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा कहाँ है 10 माइल ऑफ टू पोर्ट, और पूछा है फाइंड द ट्रू कोर्स टू स्टीयर, क्वेश्चन को रहने ही देते हैं ऐसे समझाने में आसान रहेगा। हम मान लेते हैं इधर कहीं पर पीटर डी बार फ्लोर लाइट है, क्वेश्चन कहा है पीटर डा फ्लोर के 10 माइल के दूरी पर रहना है और यह लाइट पोर्ट हाई सॉरी पोर्ट साइड में होना चाहिए। अब पीटर डा जो लाइट है यहाँ पर 10 माइल का एक सर्किल ड्रा कीजिए, कैसे ड्रा कीजिएगा डिवाइडर से, इधर 10 माइल का आप आर्क लेके सेट कर लीजिए, इसको सेंटर लीजिए और 10 माइल वाला सर्किल ऐसे ड्रा कर दीजिए, तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। आप डिवाइडर से सेट कर लिए, यहाँ से 10 माइल का सर्किल ऐसे ले लिए, हमको मालूम नहीं है किधर लैंड है क्या है इसलिए पूरा सर्किल ड्रा कर दिए। यदि चार्ट पर जिस साइड में लैंड रहेगा उधर आप सर्किल ड्रा नहीं कीजिएगा, क्योंकि बिना मतलब के आपका टाइम पास भी होगा और उससे ज़्यादा चार्ट गंदा होगा, चूँकि लैंड पर तो जहाज जाएगा सॉरी चूँकि लैंड पर तो जहाज जाएगा नहीं, और मेरे पास चार्ट नहीं है इसलिए जो भी चीज हो सकता है वह सारा चीज हम यहाँ पर ड्रा करके बता दे रहे हैं। क्वेश्चन कहा है पीटर डी जो लाइट हाउस है उससे 10 माइल की दूरी पर रहना है और पीटर डी लाइट पोर्ट में होना चाहिए। कहा है पीटर डी बार फ्लोर लाइट 10 माइल ऑफ टू पोर्ट, लाइट हाउस पोर्ट में होना चाहिए। हम आपको पिछला लेक्चर में बताए थे यदि आपको क्वेश्चन कह दे कोई लाइट हाउस या कोई पॉइंट से 5 माइल 10 माइल 20 माइल जो भी दूरी दे दे, इतना दूरी से आपको क्रॉस करना है तो आप सर्किल ड्रा कर दीजिए और इस सर्किल पर जिस पॉइंट से आप चल रहे हैं उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको दो टेंजेंट मिलेगा।
अब इस दोनों टेंजेंट में कौन सा टेंजेंट आपका सही होगा, कैसे पता चलेगा? डायरेक्शन से, क्वेश्चन में दिया है ना पोर्ट, लाइट हाउस पोर्ट में होना चाहिए, क्वेश्चन दे रखा है, तो यही आपका की पॉइंट है। और यदि लाइट हाउस के एक डायरेक्शन में लैंड रहेगा तो उधर जहाज जाने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वैसे भी एक डायरेक्शन कट जाता है। हम मान लेते हैं ऐसे लैंड था, तो जहाज तो इधर जा नहीं सकता है, जहाज इधर ही जाएगा। और यदि दोनों साइड वाटर रहेगा उस समय लोग कंफ्यूज होंगे, तो उसके लिए पोर्ट स्टारबोर्ड दिया ही है। यदि आप इस पॉइंट से चलिएगा, 10 माइल की दूरी से गुजरना है, तो जरूर है कि आप ऐसे चलिएगा, ऐसे चलिएगा तभी ना यहाँ पर आप पहुँचिएगा इस पॉइंट पर, तो लाइट हाउस 10 माइल ऑफ रहेगा और लाइट हाउस जहाज के पोर्ट साइड में रहेगा। यदि आप ऐसे चलिएगा तो क्या होगा, जब आप 10 माइल ऑफ की दूरी पर पहुंचिएगा तो लाइट हाउस स्टारबोर्ड साइड में होगा, जहाज के स्टारबोर्ड साइड में हो गया ना लाइट हाउस, तो पोर्ट स्टारबोर्ड जो लिखता है यही आपका की पॉइंट है। और हम पिछला लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन बताए थे, उसमें हम अच्छा से समझाए थे आपको, पीटर डी लाइट हाउस से 10 माइल ऑफ की दूरी पर रहना है और पीटर डी लाइट हाउस पोर्ट डायरेक्शन में रहेगा, तो पोर्ट डायरेक्शन में तभी रहेगा जब वेसल जो है इस पॉइंट पर पहुंचे, इस पॉइंट पर जो हम रेड से इसे मार्क कर रहे हैं। यदि आप इधर पहुंच जाइएगा तो लाइट हाउस स्टारबोर्ड की ओर चल जाएगा, तो आप क्या कीजिए, इस पॉइंट से इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। कैसे ड्रा होगा, पैरेलल रूलर को आप सेट कर लीजिए एकदम इसका एज से और इस पॉइंट से, सेट करके ऐसे आप लाइन ड्रा कर लीजिए। वेसल को यही कोर्स फॉलो करना पड़ेगा, जब वेसल ये वाला कोर्स फॉलो करेगा तो पीटर डी लाइट हाउस पोर्ट डायरेक्शन में रहेगा और 10 माइल की दूरी पर रहेगा। कोर्स का डायरेक्शन कैसे रीड कीजिएगा, पहले आप यहां पर हैं, आप पहुंच रहे हैं यहां पर, डायरेक्शन किधर हो गया, इस प्रकार इस डायरेक्शन में आप एक ही एरो मार्क कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, कोर्स टू स्टीयर पर एक एरो, कोर्स मेड गुड पर दो एरो और करंट पर 3 एरो, तो एरो का भी मीनिंग होता है। यदि 2-3 मार्क कर दीजिएगा तो इसमें भी 2-4 नंबर कट जाएगा। हम आगे आपको बताएंगे जब विंड करंट पढ़ाएंगे उस समय। कोर्स टू स्टीयर का डायरेक्शन इधर होगा, अब आप पैरेलल रूलर से इस लाइन का डायरेक्शन रीड कर लीजिए। पैरेलल रूलर ऐसे आप एज बाई एज सेट कर लीजिएगा। सॉरी, अरे आजकल सब हैंग हो रहा है, ऐसे पैरेलल रूलर को सेट कीजिए, नियरेस्ट कैंपस रोज पर आइए, सेट कीजिए, रीडिंग ले लीजिए इनिशियल टू फाइनल, मतलब इस डायरेक्शन में इस पॉइंट का ऐसे रीडिंग लीजिए, ये वेसल का कोर्स हो गया। यही ट्रू कोर्स आप फॉलो कीजिएगा तो आप पीटर डी लाइट हाउस से 10 माइल की दूरी पर और पोर्ट साइड से निकलिएगा। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, जिस पॉइंट पर यह टेंजेंट ड्रा होता है यही पॉइंट नियरेस्ट पॉइंट टू लाइट हाउस या जो भी पॉइंट से आप यह सर्किल ड्रा किए हैं। जैसे इस लाइट हाउस से आप 10 माइल की दूरी पर सर्किल ड्रा किए ना, यह है 10 माइल, तो जब वेसल इस कोर्स को फॉलो करेगा तो यही पॉइंट होगा, जब वेसल इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो यह लाइट हाउस सबसे नियरेस्ट में होगा। वेसल यहाँ से फॉलो करते आ रहा है, वेसल यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो जब वेसल यहाँ पर रहेगा तो इस लाइट हाउस का दूरी कुछ ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा, उससे ज़्यादा यहाँ पर होगा। जैसे जैसे इस सर्किल के नज़दीक आता जाएगा लाइट हाउस से दूरी घटता जाएगा, और एक्जैक्ट जिस पॉइंट पर टेंजेंट रहता है वहां पर लाइट हाउस से दूरी सबसे कम रहता है, अर्थात 10 माइल का दूरी इस पॉइंट पर होगा। और जब आप मैथ पढ़े होंगे 9th-10th में, तो आप पढ़े होंगे जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा होता है
उस पॉइंट पर सर्किल से जो लाइन खींचा जाता है वह परपेंडिकुलर होता है, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 90 डिग्री का एंगल सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यह भी आप मैथ में जानते होंगे। तो इससे भी आपको आइडिया लगेगा जिस पॉइंट पर टेंजेंट रहता है वही पॉइंट पर सबसे कम दूरी पर रहता है। जैसे जैसे इस पॉइंट से आप दूर हटते जाइएगा, चाहे किसी डायरेक्शन में, चाहे इधर की ओर जाएं या इधर की ओर जाएं, दूरी जो है इस लाइट हाउस से बढ़ता जाएगा। और चार्टवर्क में सेंटेंस बना के ऐसा भी चीज डालता है, तो उस समय भी लोग कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ज्योमेट्री का भी कॉन्सेप्ट चार्टवर्क में बहुत बार यूज करता है। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब चार्ट को थोड़ा, सॉरी, स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आगे भी हमको समझाना है, नहीं तो आप आगे फिर समझ नहीं पाइएगा। जो भी कोर्स आएगा एक्स वाई जेड, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका पार्ट बी पूछा था, देख ले रहे हैं। फाइंड द ट्रू कोर्स, सिर्फ ट्रू कोर्स पूछा है, डिस्टेंस नहीं। सी पार्ट कहता है फाइंड द टाइम व्हेन पीटर डी बार फ्लोर लाइट विल बी अबीम इफ शिप स्पीड बार 30 नॉट। क्वेश्चन कह रहा है यदि शिप का स्पीड 30 नॉट है तो आप हमको बता दीजिए किस टाइम पर यह लाइट हाउस अबीम रहेगा, अर्थात भेसल के बीम पर रहेगा। हम आपको बताए हैं बीम पर कब रहता है, आप लोग जब ब्रिज में वाच रखते हैं तो रिपोर्टिंग करते हैं ना, है जब एकदम शिप के शोल्डर पर आ जाता है तो हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट अबीम हो गया, और शोल्डर पर मतलब वेसल के हेडिंग से 90 डिग्री अवे। यदि स्टारबोर्ड साइड में रहेगा तो जो वेसल का हेडिंग रहेगा उसमें प्लस 90 डिग्री कर देंगे तो ऑब्जेक्ट का ट्रू बेरिंग मिल जाएगा, और यदि पोर्ट साइड में रहेगा तो जो वेसल का हेडिंग रहेगा उस हेडिंग में माइनस 90 डिग्री कर देंगे तब वेसल का बेरिंग मिल जाए, सॉरी जो ऑब्जेक्ट अबीम है उसका बेरिंग मिल जाएगा। कहने का मतलब वह ऑब्जेक्ट जब बीम पर आएगा तो उस ऑब्जेक्ट का ट्रू बेरिंग कितना होगा वह मिल जाएगा, और इस चीज को हम पिछला लेक्चर में भी बताए हैं। और कुछ देर पहले हम आपको बताए थे वेसल का हेडिंग का मतलब सीटीएस कोर्स टू स्टीयर, अर्थात वेसल का स्टीयरिंग, स्टीयरिंग कहिए, वेसल का हेडिंग कहिए, कोर्स टू स्टीयर कहिए, दोनों एक ही चीज है। तो कोई ऑब्जेक्ट का बीम बेरिंग कैसे मिलेगा, जो वेसल का हेडिंग है उस हेडिंग में प्लस माइनस 90 डिग्री, अर्थात कोर्स टू स्टीयर में प्लस माइनस 90 डिग्री। बीम बेरिंग का मतलब ही है वेसल के हेडिंग से, अर्थात कोर्स टू स्टीयर से। यदि स्टारबोर्ड साइड में है तो प्लस 90 डिग्री करके बीम बेरिंग का वैल्यू ले लीजिए, और पोर्ट साइड में यदि बीम है तो माइनस 90 डिग्री करके बीम बेरिंग का वैल्यू ले लीजिए, सिंपल। क्वेश्चन कह रहा है पीटर डी बालफेयर लाइट विल बी अबीम, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा किस पॉइंट पर अबीम होगा, और अभी हम आपको ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट बता रहे थे। जिस पॉइंट पर टेंजेंट रहता है उसी पॉइंट पर सेंटर से जो लाइन ड्रा होता है वह 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये आपका पीटर डी लाइट हाउस है, वेसल जो है इसे यहां से इसे चल रहा है, तो जिस पॉइंट पर एग्जैक्ट टेंजेंट होगा वही पॉइंट पर पीटर डी अबीम होगा जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आज जो यह कोर्स होगा वेसल का वही हेडिंग होगा, हम आपको बताएं कोर्स टू स्टीयर मतलब हेडिंग। तो जो वेसल का कोर्स टू स्टीयर है उसमें हम माइनस 90 डिग्री कर देंगे तो पीटर डी लाइट हाउस का बीम बेरिंग मालूम चल जाएगा, मतलब जब पीटर डी लाइट हाउस बीम पर रहेगा तो इस लाइट हाउस का बेरिंग कितना होगा वह मालूम चल जाएगा। वेसल कितना कोर्स फॉलो कर रहा है अभी आप रीड करके निकाले होंगे। हम मान लेते हैं
आपको ट्रू कोर्स टू स्टीयर मिल गया 250 डिग्री ट्रू। आपको चार्ट से जो भी वैल्यू मिले आप ले लीजिएगा, 270 280 290 जो भी मिले, हम तो यहाँ पर रफ बनाए हैं, रफ से लग रहा है 250 डिग्री ट्रू। तो 250 डिग्री ट्रू कोर्स टू स्टीयर है, आपको निकालना है बीम बेरिंग। बीम बेरिंग कैसे मिलेगा, अभी हम आपको रटंत विद्या भी बताएं। पोर्ट साइड में कोई ऑब्जेक्ट बीम बेरिंग होगा तो जो भी कोर्स टू स्टीयर है अर्थात जो भी हेडिंग है उसमें माइनस 90 डिग्री कर दीजिए। तो 250 में माइनस 90 कीजिएगा तो कितना आएगा, 160 डिग्री। अर्थात जब आप इस कोर्स पर चल रहे हैं, जैसे ही पीटर डी बार फेयर लाइट हाउस का बेरिंग 160 डिग्री होगा, जैसे ही 160 डिग्री होगा वैसे ही जो है ये लाइट हाउस बीम पर होगा। और ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये जो टेंजेंट ड्रा होता है, टेंजेंट और ये जो सेंटर होता है सर्किल का, सर्किल के सेंटर से टेंजेंट पॉइंट पर जो लाइन ड्रा होता है अर्थात जो रेडियस रहता है वह टेंजेंट पर परपेंडिकुलर रहता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है, ये जो लाइन का डायरेक्शन होगा उसमें माइनस 90 डिग्री कर दीजिए। क्यों, क्योंकि आप मेजर करते हैं वैल्यू ट्रू नॉर्थ से। तो यह जो लाइन है अर्थात यह जो हेडिंग है, हेडिंग में यह 90 डिग्री घटा दीजिए तो आपको बीम बेरिंग वाला वैल्यू मिल जाएगा। एकदम ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट कनेक्ट है, बस यहाँ पर शिप के टर्म में लिखता है और ज्योमेट्री में मैथ के टर्म में लिखता है। तो हम समझाने के लिए इतना बता दिए, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे हम आपको रटने के लिए बताएं वैसे आप रट लीजिए। लाइट हाउस वेसल के पोर्ट साइड में है, यह आपको पार्ट बी से मालूम चल गया। पार्ट सी कहता है पीटर डी लाइट विल बी अबीम, पोर्ट साइड में पीटर डी लाइट को अबीम करना है तो बीम बेरिंग कितना होगा, हम आपको बताएं कोर्स टू स्टीयर अर्थात जो वेसल का हेडिंग है उसमें माइनस 90 डिग्री कर दीजिए क्योंकि पोर्ट साइड में आप बीम बेरिंग निकाल रहे हैं। पार्ट बी से जो भी आपको कोर्स मिले 250 260 व्हाटएवर 290 जो भी आपको मिले उस कोर्स में आप 90 डिग्री को घटा दीजिए। हम घटा देंगे, मान लेते हैं 250 आया यह कोर्स तो यह हो जाएगा 160। और बेरिंग हम क्यों ड्रा कर रहे हैं, चूंकि जब आप इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रा कीजिएगा तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि ये वाला पॉइंट पर टेंजेंट है कि ये वाला पॉइंट पर है कि ये वाला पॉइंट पर है। आपको बहुत सारा जो थोड़ा सा आर्क रहता है इसमें थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस लगता है, यहाँ से यहाँ कहीं पर हो सकता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए तो एग्जैक्ट पॉइंट के लिए ही बीम बेरिंग निकालते हैं। अब आपको मालूम चल गया जब बीम पर रहेगा तो पीटर डी लाइट हाउस का बेरिंग 160 रहेगा। कैंपस रोड पर जाइए, पहले रूलर को सेट कीजिए 160 में, 160 समथिंग लाइक दैट, शिफ्ट करके पहले रूलर को यहाँ पर लाइए और 160 वाला डायरेक्शन, 160 वाला डायरेक्शन किधर है, इधर, तो इसके अपोजिट में ऐसे लाइन खींच देंगे। अब आप इसके अपोजिट में लाइन जो है खींच दीजिए 160, और लाइन को ज़्यादा लंबा मत कीजिएगा, सिर्फ आप कोर्स लाइन तक खींचिएगा। आप देखिए यह लाइन ट्रू नॉर्थ से किधर है, ट्रू नॉर्थ यदि आपका, हम मान लेते हैं ये जो ब्लैक से मार्क कर रहे हैं ये आपका ट्रू नॉर्थ है, दिस लाइन इज ट्रू नॉर्थ, तो देख रहे हैं यह 160 है, यह 160 है ना। और अभी हम आपको बताएं जब ट्रू बेरिंग 160 रहेगा और जिस पॉइंट पर रहेगा वहीं से यह लाइट हाउस बीम पर रहेगा, तो सारा कैलकुलेशन हम लोग रिवर्स कर करके पता कर रहे हैं और यही आपको चार्ट में करना है। जो पॉइंट पर यह रेड वाला लाइन मैच करेगा एक्जेक्ट उसी पॉइंट पर जब वेसल पहुंचेगा तो लाइट हाउस बीम पर रहेगा। ये आपका ऐसे है, ये रेड वाला लाइन यहाँ पर ऐसे, और इधर से ये रेड वाला लाइन कोर्स है, एग्जैक्ट इस पॉइंट पर
जब भेसल पहुंचेगा तो यह लाइट हाउस बीम पर रहेगा। और देखिए ज्योमेट्री के हिसाब से यह 90 डिग्री हो गया, सेम ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यहां पर है। भेसल यहां पर हम भेसल का डायग्राम भी बना देते हैं, भेसल यहां पर हम ग्रीन से बनाते हैं भेसल का डायग्राम, आपको समझने में थोड़ा अच्छा रहेगा। भेसल एग्जैक्ट इस पॉइंट पर पहुंचेगा ऐसे, भेसल का हेडिंग ये है आपका, भेसल एग्जैक्ट इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये लाइट हाउस पोर्ट साइड में बीम पर रहेगा। देखिए एग्जैक्ट बीम पर है, 90 डिग्री का एंगल। क्वेश्चन पूछा था आप हमको टाइम बता दीजिए किस टाइम पर यह लाइट हाउस अबीम रहेगा, तो उस टाइम को पता करने के लिए ही यह सारा चीज हम कर रहे हैं। अब हमको पॉइंट मालूम चल गया किस पॉइंट पर पहुंचेगा तो अबीम होगा। अब इस पॉइंट और यह जो 0300 वाला पोजीशन है, इस दोनों पॉइंट के बीच में दूरी निकाल लीजिए, डिवाइडर से इस दोनों पॉइंट के बीच का दूरी मेजर कर लीजिए, अर्थात जो लाइन रहेगा कोर्स वाला उसका डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। मान लेते हैं डिस्टेंस आ गया जो भी आ जाए, मान लेते हैं आ गया 15 माइल 14 माइल 8 माइल जो भी आपको मिले, देख लीजिएगा चार्ट पर, ये आपका डिस्टेंस आ गया। आपको डिस्टेंस मालूम है, वेसल का स्पीड मालूम है, तो डिस्टेंस में स्पीड से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो टाइम मिल जाएगा। इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, हम मान लेते हैं टाइम आ गया, मान लीजिए डिस्टेंस था 15 माइल, तो टाइम हो जाएगा आपको 1 आवर समथिंग, मान लेते हैं 1 आवर 10 मिनट। 3 बजे भेसल का पोजीशन यहाँ पर है, अबीम होने के लिए उसको डिस्टेंस कवर करना है 15 माइल, 15 डिवाइडेड बाई 13 किए हम मान लिए 1 आवर 10 मिनट उसको टाइम लगा, तो 3 बजे में हम 1 आवर 10 मिनट जोड़ देंगे, तो जब जुड़िएगा तो कितना आएगा 04 आवर 10 मिनट। मतलब 4:10 पर पीटर डी लाइट हाउस अबीम रहेगा यदि वह 13 नॉट के स्पीड से चलेगा और इस कोर्स को फॉलो करेगा। तो आपका यहां पर चार्ट में इतना ही डायग्राम बनेगा जो अभी आप देख रहे हैं, और यहाँ पर जो ग्रीन से हम भेसल बनाए हैं वह भेसल बनाने की भी जरूरत नहीं है, वह तो हम आपको समझाने के लिए बनाए। अब यही डायग्राम को आप आंसर शीट पर बना दीजिएगा, आंसर शीट पर जैसे हम अभी बनाए हैं वैसे ही आप लोग नोटेशन दीजिएगा, सारा लाइन फटाफट आप स्केल से खींच लीजिएगा, और उसके बाद जैसे नॉर्मल में हम स्टेप लिखवाते हैं वैसे ही स्टेप लिख दीजिएगा। पार्ट ए में ड्रा बेरिंग फ्रॉम दिस, ड्रा बेरिंग फ्रॉम दिस, इंटरसेक्शन पॉइंट विल गिव वेसल पोजीशन, वेसल पोजीशन एट 0300 आवर इज दिस। उसके बाद कहा आपको पीटर डी बार फेयर से 10 माइल ऑफ में पोर्ट की ओर पहुंचना है, टेक सेंटर एज पीटर डी लाइट हाउस, ड्रा ए सर्किल हुज रेडियस इज 10 माइल। उसके बाद क्या किए, ड्रा टेंजेंट टू दिस सर्किल फ्रॉम पोजीशन एट 0300 आवर इन सच दैट पीटर डी लाइट हाउस रिमेन पोर्ट साइड ऑफ द वेसल। तो जो काम किए हैं आप उसको सिंपल इंग्लिश में आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या किए, जो टेंजेंट लाइन आया उसका आप डायरेक्शन रीड कर लिए फ्रॉम द नियरेस्ट कैंपस रोज, जो डायरेक्शन आया वही हो गया ट्रू कोर्स टू स्टीयर, कोर्स टू स्टीयर जो भी आएगा एक्स वाई जेड डिग्री ट्रू, यह आपका आंसर हो गया। और कभी कभी क्वेश्चन में लिख देगा, अभी हम आपको बता देते हैं इससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगा, यहां पर लिखा ना ट्रू कोर्स टू स्टीयर, कभी कभी लिख देगा कैंपस कोर्स टू स्टीयर, तो यहां पर क्या करना होगा आप जानते हैं चार्ट से जो भी वैल्यू मिलेगा ट्रू मिलेगा, चार्ट पर ऑलवेज लाइन ड्रा होगा ट्रू में, और चार्ट से जो रीड करके लाइएगा वह भी मिलेगा ट्रू में। अब इस ट्रू कोर्स में कैंपस एरर लगा के कैंपस कोर्स निकाल लीजिएगा, यदि कह देता फाइंड कैंपस कोर्स टू स्टीयर
तो सारा प्रोसीजर यही करते हैं, यहाँ से रीडिंग लेते हैं, रीडिंग करके आपको ट्रू कोर्स टू स्टीयर मिल जाता। अब इसमें कैंपस ईरर का वैल्यू लगा देते हैं तो हमको कैंपस कोर्स टू स्टीयर मिल जाता, सिंपल। इसीलिए यहीं पर हम बता दे रहे हैं ट्रू कोर्स टू स्टीयर और कैंपस कोर्स टू स्टीयर भी क्वेश्चन पूछेगा। तो यदि कैंपस कोर्स टू स्टीयर पूछता तो आंसर शीट पर ट्रू कोर्स तक आते हैं, उसके बाद सिंस कैंपस ईरर इज इक्वल टू जो भी रहता 2 डिग्री ईस्ट वेस्ट वाट एवर लिख देते हैं, उसके बाद कैंपस कोर्स टू स्टीयर इज इक्वल टू इतना, यह हो गया आंसर पार्ट बी का। उसके बाद कहा फाइंड द टाइम व्हेन पीटर डी लाइट विल बी अबीम, पीटर डी लाइट को अबीम पर लाना है और आपको बताना है किस टाइम पर अबीम होगा। तो एग्जैक्ट बीम पॉइंट पता करने के लिए हमको बीम बेरिंग निकालना पड़ा, और आप जानते हैं बीम बेरिंग इज इक्वल टू सी पार्ट के स्टेप में लिखिएगा, बीम बेरिंग इज इक्वल टू कोर्स स्टीयर, चाहे तो ब्रैकेट में आप हेडिंग लिख दीजिएगा, हेडिंग प्लस माइनस 90 डिग्री, प्लस इन केस ऑफ पोर्ट और माइनस इन केस ऑफ सॉरी प्लस इन केस ऑफ स्टारबोर्ड और माइनस इन केस ऑफ पोर्ट। तो बीम बेरिंग कितना हो जाएगा, जो भी आपको कोर्स टू स्टीयर आया, कोर्स टू स्टीयर अर्थात जो वेसल का हेडिंग था उसमें माइनस कर दीजिए 090 डिग्री, जो वैल्यू आया वो आपको हो गया बीम बेरिंग। फिर उसके बाद स्टेप में लिख दीजिएगा ड्रा, जो भी बीम बेरिंग आया, ड्रा बेरिंग फ्रॉम पीटर डी बार फ्लोर लाइट वेसल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ट्रू कोर्स टू स्टीयर एंड बेरिंग, जो भी आपको मिला विल गिव्स पॉइंट एट बीच पीटर डी बार फ्लोर लाइट विल बी अबीम, इसी पॉइंट पर जब वेसल पहुंचेगा तो पीटर डी लाइट विल बी अबीम होगा। उसके बाद क्या किए, मेजर डिस्टेंस फ्रॉम पोजिशन एट 0000 आवर एंड पोजिशन एट लाइट हाउस विल बी अबीम, जो भी डिस्टेंस मेजर करके आया डिस्टेंस लिख दिए, स्पीड इज इक्वल टू 30 नॉट, टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। आप वॉयज स्टार्ट किए कब, 0300 आवर, वॉयज कमिसमेंट 0300 आवर, जो भी टाइम टेकन रहा उसको जोड़ दीजिए, आपको मिल गया अराइवल टाइम व्हेन वेसल विल बी सॉरी व्हेन लाइट हाउस विल बी अबीम, जब लाइट हाउस अबीम होगा उस समय टाइम कितना होगा, जो भी जोड़ के आया वही आंसर हो गया। तो ये आप स्टेप में लिख दीजिएगा, तो स्टेप आप समझ गए। और यदि आपको टाइम नहीं बच रहा है तो स्टेप लिखने में मत जाइएगा, क्योंकि एक स्टेप लिखने में एक क्वेश्चन ही छूट जाएगा, तो फिर और लेने के देनी पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं चार्टवर्क के क्वेश्चन में टाइम मैनेजमेंट तो एकदम जरूरी है एकदम। सेकेंड मिनट में आप लोग ध्यान रखिए कि एक क्वेश्चन पर 30 मिनट से ज्यादा नहीं, और सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताए हैं। जैसे ही टाइम ओवर हो रहा है आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, नहीं तो एक क्वेश्चन के फेर में दूसरा क्वेश्चन छूटेगा और 30 नंबर गया। हाँ, लेकिन यह जरूर है चार्ट पर जो प्लॉटिंग किए हैं वह प्लॉटिंग आप आंसर शीट पर जरूर कीजिएगा, नेसेसरी, ध्यान रखिएगा। स्टेप लिखें या ना लिखें प्लॉटिंग जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं यह लेक्चर काफी अच्छा से समझ गए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज और बता देना चाहते हैं, जिनको भी स्टेप लिखने में दिक्कत होता है आप कैप्टन पुरी साहब के बुक को देख लीजिएगा, एग्जाम्पल में उन्होंने स्टेप लिखा है। जैसे हम यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड हम लिखवा नहीं रहे, तो जो बहुत वीक स्टूडेंट होते हैं उनको स्टेप लिखने में भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो एकदम वर्ड टू वर्ड चाहिए तो आप कैप्टन पुरी साहब का जो बुक है उसमें जो एग्जाम्पल में स्टेप लिखा हुआ है आप वहाँ से मदद ले सकते हैं। लेकिन आप एकदम सेम टू सेम वही छापने की कोशिश मत कीजिए, आप वहां से हिंट लीजिए स्टेप कैसे लिखाता है, और हम आपको बताए ही हैं। बस आप सिंपल इंग्लिश में आप लिख दीजिए, आपको ये भी नहीं चेक करना है कि हमारा ग्रामर इंग्लिश ग्रामर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहाँ पर एम लगेगा, कहाँ पर इज लगेगा, कहाँ पर आर लगेगा, ये सब का कोई मायने मीनिंग नहीं है।
जैसे आप हिंदी बोलते हैं बोलचाल में तो आप शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, ना हम बोलते हैं ना आप बोलते हैं ना कोई बोलता है, एकदम शुद्ध हिंदी बोले लगेगा ना तो आपको 50% समझ में नहीं आएगा, लेकिन हिंदी में बोले आप समझ गए ना हम क्या कह रहे हैं, वैसे ही आपको लिखना है, वहां पर ग्रामर पूरा सही मत करना। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं लिखाएगा ऐसे नहीं लिखाएगा, वो तो और मूर्ख रहते हैं, यहाँ इंग्लिश लिटरेचर थोड़े टेस्ट हो रहा है। आप जैसे इंग्लिश को समझते हैं वैसे ही लिख दीजिए, सिर्फ सामने वाला को समझ में आना चाहिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, दैट्स ऑल। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।